सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप गाइस सब अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइस यार, ये जो वीडियो ना काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट सा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने लूँ कि जो आपका M13 एंड M14 रॉयल पास है, जो कि एनिवर्सरी बेस्ड होगा एंड वही सब कुछ आने वाला है, तो उसी के अंदर जो आपका यहाँ पर RP टीजर क्रिएट होता है उसके अंदर क्या क्या आने वाला है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आपको बताइए, एनिवर्सरी अपडेट है यानी कि उसके अंदर आपको एनिवर्सरी रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो जो आपका RP टीजर क्रिएट होगा ना गाइस, उसके अंदर आपकी जो पुरानी एनिवर्सरीज है उनकी जो रिवॉर्ड्स है वो आपको देखने को मिलने वाले, यानी सीजन 6, सीजन 12 वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो वीडियो एंड तक देखो, काफी मजेदार सा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं M13 रॉयल पास के RP टीजर क्रेट से। तो यहाँ पर शुरुआत में अगर आप देखते हो तो आपको जो सीजन 6 का जो एनिवर्सरी रिवॉर्ड था आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 50 RP आउटफिट ब्रिलियंट एनिवर्सरी सेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी कमाल का है। एंड यार मुझे तो सही बताओ ना, सीजन 6 के रिवॉर्ड काफी मस्त लगते हैं, बट उस टाइम हम नहीं थे ना वीडियो, तो हम नहीं ले पाए उसको। तो ये रिवॉर्ड काफी मजेदार सा है एंड इसका जो हेडगियर है भाई एकदम टीवी टाइप। तो इसी के साथ यहाँ पर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर एक और सेट देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर सीजन 9 का होने वाला है, ड्रेकोनियन चैंपियन सेट करके। इसके यहाँ पर हेडगियर और मास्क आपको तीनों देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम आगे देखते हैं ना गाइस, तो मुझे सीजन 6 का जो सबसे मस्त एंड आउटस्टैंडिंग जो रिवॉर्ड लगा था वो था यहाँ पर ये M762 का स्किन। भाई साहब बहुत प्यारी लगी मुझे तो, L&Q चिकन M762। तो यार ये निकल जाता है ना तो मजे से आ जाएंगे मुझे तो। साथ ही यहाँ पर आपको सीजन 6 का ही यहाँ पर हेलमेट भी देखने को मिल जाता है, बैकपैक भी काफी आउटस्टैंडिंग था। एंड वहीं पर आप देखते हो सीजन 5 का आपको यहाँ पर पेन देखने को मिल जाता है, लकी रैबिट सेट आपको देखने को मिल जाता है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सेट। एंड साथ ही यहाँ पर आप आगे देखते हो तो आपको जो सीजन 9 के रिवॉर्ड्स है वो दिख जाते हैं, ली टाइगर सूट आपको देखने को मिल जाता है ऑलरेडी, ये तो मेरे पास है सही, सीजन 9 के रिवॉर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ पर अगर बैकपैक देखते हो तो ये भी काफी अच्छा है, मतलब आपको ड्रैगन फिनिश में देखने को मिलता है एक तरह से। वहीं पर आप देखते हो तो आपको प्लेन का स्किन देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पर आपको मिचेटी का स्किन देखने को मिल जाता है, और भी ढेर सारे आपको यहाँ रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाए, ली टाइगर का आपको मास्क देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसके अंदर M16A4 का स्किन आपको ड्रेकोनियन चैंपियन का देखने को मिलेगा, स्काई हंटर गूगल्स करके आपको यहाँ पर सेट देखने को मिल जाएगा, और नॉर्मल यहाँ पर डिसेंट से स्किन आपको देखने को मिलेंगे लाइक स्कारेल हेलमेट SKS का स्किन मिल जाएगा। और वहीं पर आप देखते हो तो इसके अंदर डासिया का स्किन भी आने वाला है जो कि सीजन 9 में सभी कोई को मिला था, मशीन गन का स्किन आने वाला है, पैराशूट का स्किन आपको देखने को मिलेगा, प्लेन का स्किन देखने को मिलेगा, पैराशूट और UBZ का स्किन वापस यहाँ पर सीजन 6 का यहाँ पर आप देखते हो सोरिंग ईगल डासिया। तो ये मुझे एक बार पहले ही टीजर क्रेट में ही देखने को मिली थी और वहां मुझे किस्मत से ये निकला भी था, तो इस बार वापस से आ रहा है, तो होपफुली आप कलेक्ट अच्छा होगा तो हो सकता है निकल जाए आपको। एंड सीजन 6 का ही आपको यहाँ पर एक पेन भी देखने को मिल जाता था। ये जितने भी रिवॉर्ड्स मैं आपको बताया गाइस, ये आने वाले M13 रॉयल पास के अंदर RP टीजर के अंदर। अब वहीं पर हम बात करते हैं जो हमारा M14 रॉयल पास होगा उसके अंदर जो हमारा RP टीजर क्रिएट होगा उसके अंदर क्या क्या आने वाले, तो चलो उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके अंदर आपको गाइस भर भर के दिखने वाले सीजन 8 के रिवॉर्ड्स। तो शुरुआत में आप देखते हो 100 RP आपको रिवॉर्ड देखने को मिलता है ब्रॉन्ज आर्मर करके, जो कि आपको 100 RP पर देखने को मिला था सीजन 8 के अंदर। साथ ही आपको यहाँ पर शार्क बाइट का 28 का स्किन देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा बैकपैक मुझे अब तक लगता है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्क्विड स्कॉट बैकपैक। एंड साथ ही यहाँ पर आपको प्लेन का फिनिश देखने को मिलता है, डेल्टा सेट आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर, स्कॉट लीडर सेट आपको देखने को मिल जाता है, शेल ऑफ द शॉर्न सेट आपको देखने को मिल जाता है, हेलमेट आपको दिखने वाला है, बैकपैक का स्किन आने वाला है। वहीं पर आप देखते हो बाइक का स्किन, AKM का स्किन, हेलमेट Mini-14 का स्किन, स्कारेल का स्किन, यहाँ पर आप देखते हो तो आपको UZ का स्किन दिखने वाला है, डीप सी का, SLR का स्किन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जेट स्काई का भी स्किन इसके अंदर होने वाला है, फिर वापस से आपको यहाँ पर पैराशूट क्लाउन फिश शूट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ग्रेनेड का स्किन होने वाला है, एंड यहाँ पर बाकी के रिवॉर्ड्स आपको पता ही है। तो यार इतना कुछ आने वाला है भर भर के M14 के अंदर भी, तो यार आपको कौन सा बेस्ट लगा M13 या M14 मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो बस यार अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे चलते हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू गाइस।